हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण कृषि एवं संबद्ध योजना सेवाएं। ठीक है, ये है पार्ट सिक्स। इससे पहले हमने पार्ट पांच तक कर लिया है, अगर वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है वो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा भार्गव क्लासेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न बोल रहा है कि फसल क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब स्थिर भाव में पूछ रहा है ये। ठीक है, में भागीदारी वर्ष 2018-19 में कितने लाख अनुमानित है। ठीक है, फसल क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में भागीदारी वर्ष 2018-19 में कितने लाख अनुमानित है। देखिए, ऐसे प्रश्न जो है ना वो आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आईएमपी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये कितने लाख रहा, तो ये रहा 24,18,422। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये लाख में है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, प्रदेश में वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से मार्च 2018 की स्थिति में कितने लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हैं। देखिए, ये सारा कुछ जो भी डाटा लिया गया है, ये सारा कुछ जो है आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 से लिया गया है, तो ये वही के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, मैंने अपने मर्जी से तो नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर थोड़ा डाटा गलत लग रहे हैं, लेकिन कोई डाटा गलत नहीं है। आप जाकर आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़िए अच्छे से, वहां पर जो डाटा दिया गया है वही का वही यहां पर हमने लिया है। ठीक है, तो प्रदेश में वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से मार्च 2018 की स्थिति में कितने लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है, तो कितने लाख हेक्टेयर है, तो 20.88 लाख हेक्टेयर है। कितने हैं, 20.88 लाख हेक्टेयर जो है सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि राज्य में वर्तमान में कितने कृषि उपज मंडी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आईएमपी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राज्य में वर्तमान में कितने कृषि उपज मंडी है, तो कितने हैं, तो ये है 69 कृषि उपज मंडी है। अगर उप पूछे, ठीक है, उप मंडियां पूछे, तो 118 जो है उप मंडियां हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न है, राज्य में कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। तो मछली पालन के अंतर्गत कितना जल क्षेत्र जो है राज्य का वो विकसित किया जा चुका है, तो यहां पर देखिए डाटा के अनुसार है 94.2% जो है विकसित किया जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे जो डाटा वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं से भी पूछा सकता है। इतना बड़ा आर्थिक सर्वेक्षण है जिसके पार्ट 6 तक हो चुके हैं हमारे, और भी अभी बहुत सारे पार्ट बचे हुए हैं, तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन जो है वो उठाकर पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि राज्य में वर्ष 2018-19 सितंबर तक कितने मेगा टन मत्स्योत्पादन किया गया है। ये भी डाटा वाला क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2,34,153 टन मेगा टन। ठीक है, तो इतना जो है उत्पादन किया गया है। छठवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर आधारित है। ये तो आप सभी को मालूम है कि 80% जो है छत्तीसगढ़ में कृषि पर जीवन आधारित है। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि लघुत्तम सिंचाई योजना के अंतर्गत 2018-19 सितंबर में कितने तालाब बनाए गए हैं। देखिए, सारे डाटा वाले क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा तो याद रखना ही पड़ेगा। तो कितने तालाब बनाए गए हैं, तो 90 तालाब बनाए गए हैं, जिससे 2700 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जा चुका है। आठवां प्रश्न है कि प्रदेश का पहला शॉपिंग मॉल कहां स्थित है। देखिए, प्रदेश का पहला किसान शॉपिंग मॉल है। ठीक है, प्रदेश का पहला, यहां पर सुधार कर लीजिएगा, ये किसान शॉपिंग मॉल है, किसान यहां पर किसान छूट गया है, किसान शॉपिंग मॉल कहां पर स्थित है। अब इसका आंसर जो है आप सभी को मालूम होगा, चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए कि प्रदेश का पहला किसान शॉपिंग मॉल कहां पर स्थित है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए, देखते हैं कितने लोगों को यह आंसर इसका मालूम है। ठीक है, नौवां प्रश्न है कि राज्य का पहला किसान बाजार कहां स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो राज्य का पहला किसान बाजार कहां पर स्थित है, तो आपको बताना है ये कहां पर स्थित है, तो ये धमतरी में स्थित है। कहां पर स्थित है, धमतरी में स्थित है। दसवां और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किसान उपभोक्ता बाजार पूर्ण रूप से बनाए जा चुके हैं, कहां पर पूर्ण रूप से बनाए जा चुके हैं, ये आपके ऑप्शन है। तो जो है पूर्ण रूप से किसान
उपभोक्ता बाजार जो है बनाए जा चुके हैं वो है रायपुर और बेमेतरा में, पूर्ण रूप से बनाए जा चुके हैं बिलासपुर, रायगढ़, बरमकेला और राजनांदगांव यहां पर प्रस्तावित है, ठीक है, इन चारों जगह पर प्रस्तावित है, ठीक है, बनाने का, ठीक। तो यहां पर जो है प्रस्तावित है बिलासपुर, रायगढ़, बरमकेला और राजनांदगांव में, और कहां पर पूर्ण रूप से बनाए जा चुके हैं तो रायपुर और बेमेतरा में। यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, और जो क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताया करिए। देखते हैं कितने लोगों को आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है मालूम है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक भी जरूर कर दिया करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।